यहाँ पर अब हम रिफ्रैक्शन और रिफ्लेक्शन देखेंगे कि लेंसेज या मिरर से वेव फ्रंट कैसे रिफ्लेक्ट या रिफ्रैक्ट होते हैं। ठीक है, अब देखो ध्यान से। जैसे कि अपने पास में सपोज करो भैया एक कॉनकेव मिरर है, थोड़ा ध्यान से समझने की कोशिश करना। तो इस कॉनकेव मिरर के ऊपर अगर कोई एक प्लेन वेव फ्रंट इंसिडेंट होता है, हम कैसे बनाएंगे, यहाँ पर अगर कोई प्लेन वेव फ्रंट ऐसे इंसिडेंट होता है इस तरफ, ये डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन ऑफ वेव फ्रंट, तो तुम ये बताओ मुझे कि इसमें सबसे पहले जो है मतलब इस वेव फ्रंट के कौन से दो पॉइंट मिरर को अप्रोच करेंगे। बोलो, नहीं समझ आ रहा भाई मैं क्या कह रहा हूं। बोलते नहीं आते सर, कॉर्नर वाले एंड। चाहिए। इसमें क्या होगा कि जो इस वेव फ्रंट के टॉप एंड से ये और ये सबसे पहले मिरर को अप्रोच करे, किस तरह से भाई। कुछ ऐसा समझ पा रहे हो ना, कि जो मैं बता रहा हूँ। यस अब जैसे ही ये मिरर को अप्रोच करेंगे तो एकदम से ये जिस पॉइंट के साथ मिरर के कांटेक्ट में आएंगे वो सेकेंडरी सोर्स बन जाएगा। बोलो, सर और अभी जो इनके बीच वाले पॉइंट्स हैं ये मिरर को सेकेंडरी सोर्स बनाने के लिए आगे बढ़ रहे हैं धीरे धीरे। तो इनमें जो सबसे लेट जो सेकेंडरी सोर्स बनेगा मिरर के ऊपर पॉइंट, वो मिड पॉइंट होगा ये। ही तो होगा ना भाई। यस अब देखो जितनी डिस्टेंस ये आगे ट्रेवल करेगा इधर को, जो पॉइंट सबसे पहले सेकेंडरी सोर्स बने थे ये इधर आ जाएगा और ये उतनी डिस्टेंस इधर आ जाएगा, मतलब ये तीनों डिस्टेंस जो होंगी ये सेम होंगी। बोलो, मतलब ये दो पॉइंट तो रिफ्लेक्ट हो गए इधर की तरफ जाने लग गए, बीच वाला पॉइंट अभी उधर ही जा रहा है, तो ये भी एयर में डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है, ये भी एयर में डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है, तो जितनी ये इस तरफ राइट में ट्रेवल करेंगे उतनी ये लेफ्ट में ट्रेवल कर रहा होगा। यस सर अब ये देखो कि इनके बीच के जो पॉइंट हैं ये यहाँ पे होगा तो भाई इससे थोड़ा नीचे वाला इससे थोड़ा और पहले होगा, इससे नीचे वाला थोड़ा और पहले होगा, ये थोड़ा और पहले होगा, ये और थोड़ा पहले होगा, इस तरह से। तो फिर ये इसी तरीके से ही तो हो जाएंगे। तो ये जो वेव बी फ्रंट है शेप वी नहीं बनेगी भाई, ये बेसिकली कुछ इस तरह की शेप बनेगी। तरह मतलब ऐसी सी बन जाएगी ऐसी। यस सर समझ आ गए। थोड़ा और मैं छोटा सा करता हूँ,
ऐसे दिखेगा। तो ये है भाई बेसिकली रिफ्लेक्टेड वेव। तो अगर तुम इसके ऊपर परपेंडिकुलर ड्रॉ करोगे तो ये परपेंडिकुलर जो है ये तुम लोगों को, क्योंकि जो लाइट की डायरेक्शन है वो तो वेव फ्रंट के ऊपर परपेंडिकुलर होता है, ये ऐसे होगा। तो ये जो ये वेव फ्रंट है फिर ये इस बाउंड्री के बीच में ही एडजस्ट हो जाएगा। तो तुम्हें साफ दिखाई दे रहा है कि जैसे जैसे ये वेव फ्रंट आगे की तरफ जा रहा है तो ये यहाँ कन्वर्ज होके फाइनली इस पॉइंट के ऊपर मर्ज हो जाएगा। तो तुमने देखा भी होगा कि जब कॉनकेव मिरर के ऊपर पैरेलल लाइट इंसिडेंट होती है तो उसके फोकस के ऊपर कन्वर्ज हो जाती है, इसीलिए उसे हम लोग कन्वर्जिंग मिरर भी कहते हैं। यस सर समझ आ गया। बी है सर रिफ्लेक्शन बाय बेसिकली सर वेव फ्रंट से क्वेश्चन कैसे पूछ लेगा भाई, वो तो उसी के ऊपर डिपेंड करता है। वो क्या क्वेश्चन पूछेगा मुझे कोई पता है कि क्या पूछना है। यही पूछ लेगा कि ये इंसिडेंट वेव फ्रंट है, रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट के लिए ऑप्शन दे देगा कौन कौन से होंगे। ठीक है सर समझ। क्वेश्चन पूछने के लिए तो कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है ना, इसलिए किस तरह से पूछना है। ये प्लेन वेव फ्रंट है जो इंसिडेंट है इस कॉन्वेक्स मिरर के ऊपर। तो इसमें देखो क्या होगा कि इस मिरर के ऊपर जब लाइट इंसिडेंट होगी, लाइट क्या बेसिकली ये समझो कि जब ये वेव फ्रंट इंसिडेंट होगा तब की बात होगी। तो इस तरह से इंसिडेंट होगा ठीक है, समझ रहे हो। यस सर सबसे पहले सेंटर पे तो सबसे पहले सेंटर वाला पॉइंट रिफ्लेक्ट होके पीछे पहुंच जाएगा, तब तक ये बेचारे आगे जा रहे होंगे। तो ये एक्सट्रीम पॉइंट्स तो यहाँ पे होंगे और जो मिड पॉइंट है वो यहाँ, बाकी सारे पॉइंट जो होंगे वो इसके बीच में होंगे। उल्टा सी बन जाएगा। तो इसको हम क्या करेंगे फिर, इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में हम वेव फ्रंट को ऐसे इस तरह से एक्सपेंड होते हुए देखेंगे और हमें ऐसा लगेगा जैसे कि ये इस जगह से कहीं से ओरिजिनेट हुआ है वेव फ्रंट ये। तो ऐसा लगेगा कि यहाँ पे वर्चुअल इमेज बन रही है, क्योंकि ये जो ये वेव फ्रंट है ये बेसिकली इस आई पॉइंट से एक्सपेंड होते हुए फील होगा तुम, कि जैसे ये वहां से एक्सपेंड हो रहा है। बोलो ये बात समझ आई या नहीं। बोलो। यस सर। अब इसी तरह से भाई अब हम थोड़ा इसको समझ लेंगे रिफ्रैक्शन को। रिफ्रैक्शन बाय कॉन्वेक्स मिरर, कॉन्वेक्स लेंस। अब इसमें यह है कि जैसे एक ही फिगर से काम चलाने की कोशिश करेंगे, जैसे ये एक प्लेन वेव फ्रंट है जो कि इंसिडेंट हो रहा है कॉन्वेक्स मिरर के ऊपर। अब तुम यहाँ पे ये देखो भाई कि मान लो इधर की तरफ इंसिडेंट है, अब ये ऐसा सीन है यहाँ पे
जो ये सेंट्रल पॉइंट है इसको एक डेंसर मीडियम में से इतनी थिकनेस पार करनी पड़ेगी, और जो अपर एंड है इनको इतनी छोटी थिकनेस पार करनी पड़ेगी। तो जो बीच वाला पॉइंट है वेव फ्रंट का, ये सबसे ज्यादा देर तक के लिए स्लो होगा। जो एक्सट्रीम पॉइंट है वो सबसे कम टाइम के लिए स्लो होंगे। तो जिनको सबसे कम टाइम के लिए स्लो किया जाएगा वो सबसे आगे पहुंच जाएंगे। यस सर, और जो ज्यादा देर तक के लिए स्लो हो रहा है वो सबसे पीछे। तो जितने टाइम में ये यहाँ पे पहुंचेगा बेचारे, वो उसके आगे चले जाएंगे। और ये बाकी जो बीच के पॉइंट्स हैं वो इसी फैशन में यहाँ अलग अलग जगह पे इस तरह से ओरिएंटेड हो जाएंगे। तो बेसिकली जब इन सब पॉइंट्स को जोड़ देंगे तो रिफ्रैक्टेड वेव फ्रंट बन जाएगा। सर ये पॉइंट जो बीच में आ रहे हैं मतलब एक ही लाइन में नहीं आएंगे। एक ही मिनट है भाई। ये सर ये कर्व कैसा आ रहा है, मतलब ये चीज समझ नहीं आ रही। अरे भैया, ये पहले सारी चीजें एक लाइन में चल रही थी, अब उनमें से कुछ आगे निकल गए कुछ पीछे रह गए, तो कर्व नहीं बना लेंगे। यस सर, भाई तुम सारे के सारे फ्रेंड्स बहुत सारे एक ही स्ट्रेट लाइन में चल रहे थे, बीच वालों को स्लो कर दें और ऊपर वालों को कहो कि भाई तुम ग्रेजुअली अपनी स्पीड थोड़ी थोड़ी बढ़ा लो, तो कुछ आगे चले जाएं कुछ पीछे चले जाएं, तो इसी तरह से तो आ जाएंगे। तो यहाँ पे ऐसा लगेगा कि जैसे ये कन्वर्ज होते हुए जा रहा है, और फाइनली ऐसा लगेगा कि जैसे हम ये यहाँ इस पॉइंट के ऊपर कन्वर्ज हो रहा है। तो ये इसलिए कन्वर्जिंग लेंस भी है, और इस पॉइंट के ऊपर हम इसको कन्वर्ज होते हुए देखेंगे, यहाँ पर रियल इमेज बनेगी, क्योंकि यहाँ जो वेव फ्रंट है वो रियलिटी में कन्वर्ज हो रहा है। रिफ्रैक्शन बाय डाइवर्जिंग लेंस, इसमें भी सेम ही फिनोमेना है कि अगर कोई एक प्लेन वेव फ्रंट इसको अप्रोच करता है तो जो इस वेव फ्रंट के अपर और लोअर मोस्ट पॉइंट्स होंगे ये सबसे ज्यादा देर तक के लिए स्लो होंगे, जबकि ये जो मिड पॉइंट है ये सबसे कम टाइम के लिए स्लो होगा, क्योंकि इसकी बहुत थोड़ी थिकनेस के थ्रू पार होगा। तो जो कम टाइम के लिए स्लो हो रहा है वो थोड़ा ज्यादा चला जाएगा। जो ज्यादा देर तक के लिए अपनी स्पीड को कम कर रहे हैं क्योंकि ग्लास में ट्रेवल करेंगे तो थोड़ा पीछे रह जाएंगे। तो ये सारे पार्टिकल्स जो होंगे, चूंकि थिकनेस ग्रेजुअली डिक्रीज हो रही है सेंटर की तरफ, तो इनके डिस्प्लेसमेंट भी ग्रेजुअली चेंज होते रहेंगे, और जब सबको जोड़ेंगे तो भाई ये ऐसे दिख जाएगा। और ये एक तरह से अगर हम इसके ऊपर परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं तो वो इस तरह का होगा, तो हमें ऐसा लगेगा कि जैसे ये ऐसे एक्सपेंड हो रहा है वेव फ्रंट जो। तो ये ऐसा लगेगा हमें जैसे कि यहाँ कहीं पीछे से यहाँ से ओरिजिनेट होकर आ रहा है, तो जिससे हमें ये लग रहा है कि यहाँ पे इसकी वर्चुअल इमेज है। एग्री हो ना भाई इस बात? बोलो। यस सर, इस तरह से हम रिफ्लेक्शन को समझने की कोशिश करेंगे और रिफ्रैक्शन को समझने की कोशिश करेंगे वेव फ्रंट की हेल्प से।
अब तुम मुझे ये बता सर दो। हाँ बोल लो भाई। सर अभी तो आपने लाइन सोर्स ले लिया, अगर लाइन मैं पॉइंट सोर्स? सोर्स लेके देखूँ ना। भाई मैंने लाइन सोर्स कहाँ लिया है, मैंने तो प्लेन वेव फ्रंट लिया है। और हम ज्यादातर जो फोकस वगैरह फाइंड आउट करते हैं तो उस केस में हम यही तो मानते हैं कि जो लाइट है वो पैरेलल आ रही है। पैरेलल लाइट कहाँ से आती है, उसके लिए सोर्स को हमें इनफाइनाइट पे लेना पड़ता है। जब सोर्स इन्फिनिटी पे होता है तो उसके लिए हम लोगों को प्लेन वेव फ्रंट ही मिलता है। और सर मतलब अगर मैं कर्व्ड वेव फ्रंट अगर इस पे अगर भाई डाल के देखूं, हाँ तो फिर तुम्हें उसी के अकॉर्डिंग से 3 डायमेंशनल फिगर बनानी पड़ेगी। मतलब एडवेंचर वहां कर लेना ना जहाँ एडवेंचर की जरूरत है। अब तुम मान लो इससे पॉइंट सोर्स लोगे, स्फेरिकल वेव फ्रंट बनेगा, फिर उस स्फेरिकल वेव फ्रंट की ज्योमेट्रिकल शेप के कॉरेस्पॉन्डिंग मुझे इसकी ज्योमेट्रिकल शेप देखनी पड़ेगी। तो वो इतना क्या दिमाग लगाना चाहिए। यस सर क्या आप तो क्वेश्चन बन जाए। हाँ? नहीं सर मुझे लगा क्वेश्चन ऐसे भी पूछ सकता है। सर नहीं भाई वो क्वेश्चन ऐसा ही पूछेगा ना, जितने तुम्हारी औकात है उस हिसाब से तो क्वेश्चन पूछेगा। ठीक है मतलब तुम्हारी औकात से बाहर नहीं जाएगा। अब तुम्हें साउंड में एक आर्टिकल है, वो है एनर्जी। पावर एंड इंटेंसिटी फॉर लाइट। यहाँ पे हम साउंड का भी एग्जांपल ले सकते हैं और साउंड वेव, तो ये दोनों एक ही तरह के एग्जांपल, ठीक है ना? यस सर। तो तुम्हें इसे भाई पढ़ के आना कल, मैं तुम्हें बता रहा हूँ तुम्हें कल क्या क्या पढ़ के आना, जरा ध्यान से समझो पहले। मतलब ये अगर तुमने साउंड में समझ लिया तो यहाँ समझ आ जाएगा, नहीं तो यहाँ भी समझ नहीं आएगा। बेसिकली तुम ये देखो कि जो एनर्जी है, अगर हम साउंड की बात करते हैं तो साउंड में क्या होता है कि जैसे एक पार्टिकल ऑसिलेट हो रहा है, तो इस ऑसिलेटिंग पार्टिकल में तुम देखो कि इस पार्टिकल की वेलोसिटी भी होती है। बोलो। बोलते नहीं यार तुम तो। यस सर तो इस एक चूंकि वेव बहुत सारी वेव एक साथ ट्रेवल कर रही होती है, तो जब वो सिमिलर वेव्स होंगी तो उनमें बहुत सारे ऐसे पार्टिकल तुम्हें दिखेंगे जिनकी स्पीड सेम होगी। जैसे ये सारे पार्टिकल रेस्ट पे हैं, ये वाले ये सारे रेस्ट पे हैं। तो यस सर अगर हम इन सारे के सारे पार्टिकल्स को जो रेस्ट पे हैं इनको एक जगह इकट्ठा कर लें, और इस कलेक्शन का मास है अगर m, तो इसकी काइनेटिक एनर्जी 0 होगी भाई, क्योंकि सारे पार्टिकल रेस्ट पे हैं। यस सर इसी तरह से कुछ पार्टिकल ऐसे होंगे कि उनकी कलेक्टिवली स्पीड 2 मीटर पर सेकेंड होगी। बहुत सारे होंगे जिनकी स्पीड 2 मीटर पर सेकेंड होगी, पर जिनकी स्पीड 2 मीटर पर सेकेंड है, अगर कलेक्टिवली उनका मास 10 ग्राम है, तो 10^-3 2² ये उन सारे पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी होगी जो कलेक्टिवली अपना मास 10 ग्राम शो कर रहे हैं और वो 2 मीटर पर सेकेंड से चल रहे यस सर हैं। तो बेसिकली हम ये कह सकते हैं कि जो मीडियम में वेव्स ऑसिलेट हो रही हैं, उन वेव्स के पास काइनेटिक एनर्जी होती है। ठीक है ना? बोलो। यस सर यस सर। कहाँ सो जाते हो तुम भी कुछ मिनट? अच्छा अगर जैसे एक ऑसिलेटिंग पार्टिकल है, अगर तुम इसको यहीं पर रख के छोड़ दो और ये कहीं भी ना जाए, तो इसका मतलब ये न्यूट्रल स्टेट में है ना, इसकी रिस्टोरेशन टेंडेंसी है ही नहीं। अब तुम यस सर स्प्रिंग के साथ कनेक्टेड एक ब्लॉक को देखो तुम, तो इसमें क्या होगा कि अगर तुम इस ब्लॉक को यहाँ पे लेके आते हो
तो ये स्प्रिंग जो होगा इसके आगे जाने का अपोज करेगा, ऐसे तो चलेगा। तुम्हें जो फोर्स लगाना पड़ रहा है वो फोर्स इस फोर्स के अगेंस्ट, जो इलास्टिक रिस्टोरिंग फोर्स है उसके अगेंस्ट तुम्हें वर्क करना पड़ेगा, और वर्क करने से जो तुम्हारा वर्क है वो स्प्रिंग में इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी स्टोर हो जाए। इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में स्टोर हो जाता है। जैसे एक ब्लॉक है ग्रेविटी में, अगर तुम उसको ऊपर उठाते हो तो भाई ऊपर उठाने से तुम्हें इसकी जो ग्रेविटेशनल फोर्स है उसके अगेंस्ट काम करना पड़ता है, जिसकी वजह से ये ब्लॉक तुम्हारे वर्क को इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी स्टोर कर लेता है। यस सर। पर अगर ऐसा हो कि इस स्प्रिंग की रिस्टोरेशन टेंडेंसी ना हो, तो इस ब्लॉक को तुम्हें राइट लेफ्ट टू राइट या राइट टू लेफ्ट कहीं ले जाने में वर्क ही नहीं करना पड़ेगा, तो उसमें एनर्जी स्टोर भी नहीं होगी। तो अगर एक ऑसिलेटिंग पार्टिकल को तुम देखते हो, तो एक ऑसिलेटिंग पार्टिकल भी जब अपनी मीन पोजिशन से डिस्प्लेस होता है, तो वो वापिस जरूर जा रहा होता है, फिर उसको क्रॉस कर जाता है इधर की तरफ भाई, फिर वो वापिस इधर जरूर जाता है, तभी तो ऑसिलेट करता है। यस तो मीन पोजीशन से डिस्प्लेस होने के बाद किसी भी पार्टिकल की रिस्टोरेशन टेंडेंसी होती होती है। तो इसका मतलब जब उसकी रिस्टोरेशन टेंडेंसी है तो ऑसिलेटिंग पार्टिकल में पोटेंशियल एनर्जी भी है। सर। अब काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, टोटल एनर्जी ये टोटल एनर्जी होगी भाई। अब हम मान लो कलेक्टिवली एक रोप ले रहे हैं, उस रोप का हम एक वॉल्यूम ले लें, तो उस वॉल्यूम में कितनी एनर्जी स्टोर होगी वो तुम यहाँ कैलकुलेट कर लोगे, फिर उस वॉल्यूम से जो उस रोप का होगा उस वॉल्यूम से उसको डिवाइड कर देंगे, तो ये एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम आ जाएगी, इसको हम एनर्जी डेंसिटी भी कहते हैं। डेंसिटी। अब मुझे ये नहीं पता कि ये वाला आर्टिकल तुम लोगों ने पढ़ा है साउंड में या नहीं पढ़ा। यहाँ पे क्या होगा भाई, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड ऑसिलेट होगा, मैग्नेटिक फील्ड ऑसिलेट होगा, तो वहां पे इलेक्ट्रिक जिस फील्ड जिस रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वहां पर यूनिट वॉल्यूम इलेक्ट्रिक फील्ड एनर्जी डेंसिटी होती है, अगर तुम्हें याद हो हमने पढ़ी थी हाफ एप्सिलॉन नॉट ई एप्साइलन स्क्वायर, ई स्क्वायर। और यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड भी है तो मैग्नेटिक फील्ड ऑसिलेट होएगा, तो उस रीजन में हम कह सकते हैं कि भाई यहाँ पर यूनिट हाँ मैग्नेटिक बिल्कुल फील्ड भी स्टोर होगा, तो यू उसको हम, नॉट से डिवाइड। हाँ तो ये बेसिकली इससे हमें रिलेट करना पड़ेगा। अब ये तो तुम ये बता दो मुझे कि ये तुमने कुछ करा है थोड़ा बहुत या नहीं करा है, तो तुमसे कल करके आ जाना मेरे एक बार। नहीं बोलो सर, ये तो नहीं करा है यार, सर। ये वही तो है कि जिसमें से हम वेलोसिटी को निकाल लेते थे एज अ डिफरेंशिएट करके, फिर उसे और फिर काइनेटिक एनर्जी निकाल लेते थे, ऐड हाँ कर देते वैसे ही तो निकलेगी भाई। तो तुम कल दो तीन चीजें थे। पढ़ के आना भाई, एक तो तुम इंटरफेरेंस को थोड़ा पढ़ के आओ साउंड के, और एक तुम ये एनर्जी वाला पार्ट पढ़ के आओ। सर अभी किस में से पढ़ें? भाई तुम्हारे पास क्या कोई बुक नहीं है, कोई एससीवर में ही है। और और कोई बुक ही नहीं खरीदी तुमने? नहीं सर है तो मतलब वो तो पिछले साल के मॉड्यूल है। मॉड्यूल का कुछ होता है वो तो गड्ढे मॉड्यूल है, क्या करना, कोई ढंग की बुक पढ़ लो ना। बुक हिंदुस्तान के बच्चों को आजकल बुक्स से प्यार नहीं है, ये जो कोचिंग वोचिंग में मॉड्यूल मिलते हैं ना बस इन्हीं को लेके नाचते रहते हैं, ये भी तो टीप टाप के, मतलब ये लोग तुम्हारा इतना बेवकूफ बना रहे हैं कि सारे के सारे जितने भी कोचिंग हैं सारे मॉड्यूल बना लेती हैं किसी अच्छी टेक्स्ट बुक से कॉपी करके। बुक आती है मान लो 500 रुपए की, मॉड्यूल बेच देते हैं तो 25-25 हजार रुपये, तो भैया बढ़िया बिजनेस मॉडल, तुम बेवकूफ बन रहे हो, बनते रहो।